आप देख रहे हैं फिल्में खिचड़ी, मैं हूँ रुनाशीष, और सर्टनली अभी जो इंटरव्यू चल रहा था वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो हम एक बार फिर से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। उप्स। आउच शुरू से करते हैं। तो हाइट है, आज तो हाइट हो गई है भाई। चलिए ठीक है, मैं वापस से शुरू कर लेती हूँ। तो चलिए फैज, एक बार फिर से बोलती हूँ कि आप बहुत क्यूट है, अडोरेबल है, स्वीट है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे कलाकार है, तो कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैम, आप कैसे यार ये हमारे साथ बहुत बड़ी चोट हो गई है आज, और हम भूल नहीं बिल्कुल। पाएंगे। चलिए एक बार फिर से बताइए, अभी हाल ही में मैंने आपको हिमेश रेशमिया जी के ऑफिस में आपके जो पिक्चर्स आए हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए एक बार फिर से। मैं दो गाने करने गया था, एक उनमें से गजल है बहुत ही प्यारी, और एक गाना है नए जोन का है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, और बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत अच्छे कपड़े दिए इस बार, मतलब किस इस बार तरीके एकदम, के? मतलब अच्छा हमेशा मेरा एकदम वो बॉय टाइप का रहता, बटन खुले होते हैं ना, इस बार वो नहीं था, इस अच्छा बार हुडी था, हुडी के ऊपर शर्ट था, एकदम कोरियन टाइप का लुक, बहुत अच्छा अरे वाह, मतलब अगली बार हम आपको कोरियन ड्रामा में देखने वाले हैं। कब जा रहे हो कोरिया? था। मुझे कोरियन लैंग्वेज आती नहीं है बिल्कुल भी। बताओ, मैंने अभी आपको ना इंडियन आइडल 13 के सेट पर देखा, तो मुझे तो ये लगा कि एक बार फिर से आप दिखाई देने वाले हैं। सच्चाई क्या है? नहीं, मैं दिखाई देने के लिए नहीं गया था, मैं बस अपने लोगों से मिलने गया था, जो मैं हमेशा जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं मिलके नहीं गया, मिलके नहीं गया, तो मैं अभी मुंबई आते ही उनसे मिलने गया आइडल के सेट पर ही, क्योंकि मैं उसी दिन आया था कि शूट ही हो रहा था उस दिन, तो माधुरी जी भी आई थी, सामने ही बैठे थे, और विशाल सर ने इस बार बहुत लंबे टाइम तक बात करी मुझसे, बहुत एनकरेज किया, उन्हें पता चला कि मेरे लिए जो मेरा गाना है उसके अंदर 2 मिलियन रील्स बन गई, तो वो इतने खुश हुए, बोलते हैं भाई एक बात बताओ, पठान मूवी के एल्बम की भी इतनी रील्स नहीं बनी, तो बहुत बढ़िया खुश हुए। बढ़िया। देन उन्होंने नंबर लिया मेरा, हाँ मतलब मुझे भी बहुत नंबर, जल्द अब तुम उनके स्टूडियो में दिखाई देने वाले हो। उन्होंने कहा है अब देखते क्या होता है। अच्छा एक, अरे हम तो अच्छा ही सोचेंगे ना, एक क्या है ना, शुभ शुभ बोलते रहो, एक ना एक दिन तो भगवान सुन लेता है। मुझे बिल्कुल सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ आप एक गाना रिकॉर्ड करने के मूड में आ चुके हैं, फिल्मों में भी शायद आप आ जाएं। हो सकता है, थोड़ा सा बताओ भाई उस बारे में, कौन है, क्या है, गाना अगर कुछ रिकॉर्ड बता, हुआ है या? बस ये है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्शन कंपनी है इंडिया की, बहुत ज्यादा नोन है और लोग तरसते हैं उसमें गाने के लिए, अभी तक तो मुझे सब अच्छा फाइनल लग, टाइप का है, बट कुछ भी हो जाता है ना एंड तक, कभी चेंज वाला नहीं होता, अभी तक फाइनल है तो एंड तक फाइनल रहे, बस यही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं। एक बात बताओ मुझे, क्यों बार बार मेरे दिमाग में यशराज स्टूडियो याद आ रहा है, या नहीं धर्मा, या धर्मा नहीं ऐसा कुछ नहीं धर्मा है, धर्मा में बहुत नहीं लंबा पॉज लिया है फैज। मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से और भी कोशिश करती हूँ। वैसे तो हमारे पास फिल्म बनने के बाद इन्फॉर्मेशन ज्यादा निकल कर आती है, बट चलो जहां पर भी आओ अच्छे से आओ। बहुत घूम रहे हो यार इस दुनिया में, क्या क्या देख लिया, कौन कौन से देश देख कर आ गए? अभी तो 3 ही देखे हैं, कहाँ कहाँ गए इंडिया बताओ, हर वहां के लोग कैसे लगे ये जगह, बताओ। लोग तो हर जगह सेम होते हैं, अच्छा इंडिया गया, इंडिया गया क्या, इंडिया तो रहता हूँ, और साउथ अफ्रीका गया, और उसके बाद मालदीव्स गया, साउथ अफ्रीका मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ, 2019 और 2022 लवली लवली, ग्रेट। के बाद अभी मैं मालदीव्स गया, मालदीव्स में भी बहुत मजा आया, मालदीव्स तो मैं, चलो गाने पे कम ध्यान था मेरा, घूमने पे ज्यादा ध्यान था। अच्छा वो जो आपके सी वाले इसमें आप घूम रहे हैं वो ज्यादा एंजॉयबल था आपके लिए, सी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्कूटर पहली बोलते हैं ऐसी शायद? ट्रिप थी जहां मैंने इतना एंजॉय किया है। चलो शो तो रात को होता है तो मैं दिन में एकदम फ्री था एकदम, तो हमें घुमाने लेके गए, हमने स्नूकल किया एकदम पानी के ऊपर से, क्योंकि मैं अंदर तो जा नहीं पाया, मेरे को स्विमिंग आती नहीं है, सीखनी है मुझे, तो मैंने वो लाइफ वेस्ट पहन कर और अंदर मुंह डाला बस, और मास्क लगा कर और अंदर से सब देख रहा था बस, पर मेरा ये सपना है मेरे को स्कूबा डाइविंग करनी है, मैं पहले स्विमिंग सीखूंगा उसके बाद करूंगा कहीं पर।
हाँ यार स्विमिंग तो मुझे भी सीखनी है, मुझे तो इस उम्र में भी नहीं आती है तो चलो हम दोनों ने साथ साथ में सीखना शुरू करते हैं। तुमने कितने 10 दिन तक, तुम कहाँ तक पहुंचे और मैं कहाँ तक पहुंची, हम ये भी आपस में डिस्कस कर लेंगे एक आध दिन। अच्छा एक तो आपको ये ब्लू टिक मिल गया है, भाई मैं तो इस जनरेशन की नहीं हूँ, ये ब्लू टिक का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी तो बता दो। इम्पोर्टेंस ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि लोगों को, काफी लोग मिसलीडिंग करते हैं, स्पैम होते हैं, तो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी स्टोरी डाल देते हैं फॉलोअर्स के लिए, वो पैसे कमाने के लिए कि हम आपको प्रमोट करेंगे वगैरह वगैरह। तो लोग अगर उसको फॉलो करते हैं तो वो उनका घाटा होता है एक तरह से, और वैसी चीजें ऊपर आ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे फैंस को कोई गलत दिशा दिखाए, या कोई मिसलीडिंग हो, या कोई स्पैम हो। तो मैं हमेशा ये चीज मांगता था कि मुझे, क्योंकि मैं शुरू में जब शो में आया था तो काफी सारे फेक अकाउंट्स बने थे, मैंने रिपोर्ट करने का स्टोरी डाला था, तो इतने बनने लगे, मैंने सोचा कब तक स्टोरी डालूंगा। अब कुछ ऐसा उसका एक ही रीजन था, आपकी अब एक ही रास्ता था कि वेरिफिकेशन होना जरूरी इंस्टाग्राम पे। मैंने सबसे पूछा कैसे होता है, कैसे होता है, सब पैसे मांगने लगते थे कि 1.5 लाख का होता है, वो होता है, ये होता है। मैंने कहा यार मैंने मेहनत करी है, और मीडिया इतना मेरे लिए कर रही है, मीडिया मेरे को इतना, मेरे आर्टिकल्स आए हैं, तो क्यों नहीं लगेगा मुझे। तो नहीं लगा था। उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने पूछा शो वालों से भी कि कैसे लगता है, तो उन्होंने कहा लग जाएगा, ट्राई करो। तो मैंने उसके बाद रात को ही, मैंने परसों की बात है, रात को मैंने आधार कार्ड वगैरह डाल के, मेरे जितने भी आर्टिकल्स हैं बड़े बड़े सारे, वो उसमें लगाकर, स्पॉटिफाई अकाउंट लगाकर मैंने रिक्वेस्ट सबमिट किया ऐसे फिंगर क्रॉस करके। और इंस्टाग्राम वाले आप मानोगे नहीं, इतने बदतमीज लोग हैं कि उन्होंने ना मुझे मेल भेजा कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ना मुझे कोई नोटिफिकेशन भेजा, मतलब हम नोटिस करें तो करें, नहीं तो रहने दो। अच्छा मैंने ऐसे अकाउंट खोला, अचानक से देख रहा हूँ कुछ अलग अलग लग रहा है, ऊपर देखा ब्लू टिक आ गया, मैं इतना ऐसे शॉक हो गया। उन्होंने ये भी ईमेल नहीं भेजा कि आपके इस पे जो आपने रिक्वेस्ट भेजा है इस पे हम काम कर रहे हैं। हमेशा मैं भेजता था तो आता था कि उस पे वो रिव्यू कर रहे हैं उसको, इस बार वो भी नहीं आया। मैंने सोचा यार इस बार तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अरे नहीं फैज तो तुम्हारे गाने सुनने बैठ गए होंगे तो भूल गए होंगे काम तुम्हारा। मैं इतना खुश हो गया, मैंने जाकर कॉल लगाया घर पे, मम्मी ऐसे हो गया, तो सब लोगों ने सुना, एकदम चिल्लाने लगते, और आधे घंटे तक वो हूटिंग ही चलता रहा उनका। और अरे अच्छी बात वाह है, फायदे भी होते हैं इसके। मुझे अगर कोई कोलैबोरेशन करना हो तो, अगर मैं किसी को अगर कोलैबोरेशन का रिक्वेस्ट डालूंगा तो उनको सबसे ऊपर दिख जाएगा कि चलो भाई मोहम्मद फैज ने मुझे कोलैबोरेशन का रिक्वेस्ट डाला है। इससे पब्लिकली भी बहुत इसका फायदा होता है, क्योंकि लोगों का आजकल का जो है ना बहुत वो हो गया है माइंडसेट, सब जाते यही पूछते हैं वेरिफिकेशन है नहीं है, तो वो उसको फिर उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से उनको करना चाहिए। बट एक बात बताओ फैज, आप जब इंस्टा पर हो या सोशल मीडिया पर हो, ये वो जनरेशन है जो बहुत नई है राइट, लेकिन बिल्कुल आपके दीवाने आपको प्यार करने वाले मेरी जनरेशन के लोग भी होते हैं, मेरे से ओल्डर लोग हैं वो भी होते हैं, और वो लोग तो कई ऐसे होते हैं जो इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं है, तो रिएक्शंस कैसे मिलते हैं ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो इंस्टा पर नहीं है तो शायद आपको जवाब नहीं दे पाते होंगे। वो आ जाते हैं, कैसे मालूम मेरे पड़ता है? लिए सोशल मीडिया हाँ पे आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। प्लस यूट्यूब देखते हैं वो सब, तो यूट्यूब पे कमेंट कर लेते हैं, और बाकी ईमेल है, ईमेल भी करते हैं, और उन लोगों तक मेरी बात ऐसे भी पहुंचती है, कई बार रेडियो पे मेरे गाने लग जाते हैं हिमेश सर वाले, तो जो गाड़ी चलाते चलाते सुनते हैं तो वो भी, उनको भी पहुंच जाता है। नहीं यार इसके 2 या 3 तो वाकई मैंने ही सुन लिए थे। एक बार मैं शॉप पर गई थी तो एक बार पवन का गाना चल रहा था, मैं दूसरी जगह पर एक बार गई थी वहां पर तुम्हारे गाने चल रहे थे, एक कोई ड्राइवर था उसने तुम्हारा गाना ऑन करके रखा था, मैंने कहा अच्छा लगता है ये गाना, नहीं हाँ मैडम गाना ना जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो इसका गाना सुनने में बड़ा मजा आता है, ऐसे ऐसे लोग जो तुम्हें शायद जानते भी नहीं है तो ऐसे स्वीट, लोग अभी क्या होता है। आइडल के अंदर टीम में मेरे यश भैया हैं, तो वो भी कहीं पर गए थे रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने मेरे को वीडियो बनाकर भेजा कि ये देखो तुम्हारा ही गाना लग रहा है। अच्छा इतनी जो प्यार मिलता है कैसे अपने आप को बहुत ग्राउंडेड और यू नो डाउन टू अर्थ बनाए रखते हो, क्योंकि तुम्हारी देखो एक एक उम्र होती है और उस उम्र में आपको अच्छा ही लगता है, तो कैसे अपने आप को सामान्य बनाए रखते हो? सिंपल है, यही चीज याद करते हैं कि जो प्यार हमें दे रहे हैं उसी को अगर हमने सर पे चढ़ाया तो वही प्यार नहीं रहेगा।
बाप रे। अच्छा तो बस ऐसे यही है लोगों कि को उसको पॉजिटिवली लो, उन वो जो प्यार दे रहे हैं उनके लिए प्यार से काम करो बस। अरे वाह। अच्छा एक बीच में तुम्हारी मेरी बात भी हुई थी मैसेज पे, एवरीथिंग इज फाइन एट होम, क्योंकि एक व्यक्ति के, बड़े व्यक्ति के चले जाने से क्या होता है ना, घर में खालीपन सा हो जाता है। तो मम्मी को कैसे संभालते हो, अपनी बहनों को क्या बोलते हो? ये तो देखिए आप, अल्लाह के ऊपर होता है, अल्लाह बहुत एनर्जी भी देता है, अगर किसी अपने बंदे को लेता है तो वो उनको वो सहनशीलता देता है। यही चीज मेरी मम्मी के साथ हुई, मेरे साथ हुई। दुख होता है, बहुत होता है, बट वो जिस हालत में थे ना, वो बीमार बहुत ज्यादा थे, देखा नहीं जा रहा था हम लोगों से, उनसे उनसे सहन नहीं हो रहा था, वो बार बार उनके नाक में एक वो लगा हुआ था तो वो उसे निकालने की कोशिश करते थे, बहुत पेनफुल था। तो अल्लाह की मर्जी होती है सब, वो नहीं हमारे हाथ बिल्कुल में बिल्कुल लेगेसी कंटिन्यू करना होता है, उनको लोगों तक याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक बार के इंटरव्यू में तुमने बताया था कि तुम्हारे नाना जी की एक बुक है, एक जिसमें खूब सारे वो इच्छा हुई तुम्हारी, वो आशीर्वाद मिला अभी नाना जी का आपको।